बहती हवा सा था वो, छू के हमारे कूलर को, पेट्रोल पी के सोता था वो। कहाँ ले गया बुढ़ा ढूंढो। अरे अरे अरे, आप चिंता ता चिता चिता मत कीजिए। मेरे पापा ना हैवी ड्राइवर है, वो बहुत अच्छा गाड़ी गिराते, मतलब गाड़ी चलाते हैं। उसे हैवी ड्राइवर नहीं, एक्सीडेंट ड्राइवर कहते हैं। अरे आप जो मतलब छोड़िए ना बात को। अगर मेरे गाड़ी को कुछ हुआ तो एक किडनी, दो आंख, हर एक अंग शरीर का बेच दूंगा, बता रहा हूं। अरे अरे अरे, आप मेरे पापा की गलती की सजा अपने शरीर को देंगे। मैं तेरे बाप के अंग प्रत्यंग को बेचने की बात कर रहा हूं। ये लो, गांडू का कॉल आ गया। देखिए ना, आपके फोन में कुत्ता भौंक रहा है। तेरे बाप का कॉल है। हाय बेटे, अच्छा बेटे, एक बुरी खबर है। बुरी खबर? तुम्हारे पेट्रोल पंप के स्टाफ वालों ने पता नहीं किया क्या घुसा दिया, कहाँ कहाँ घुसा दिया। ये तो अच्छी खबर है, बुरी खबर क्या है फिर? अरे मेरी कह के ले ली बेटे। जैसी करनी वैसी भरनी पापा जी। अरे बेटे, मैं तो इलेक्ट्रिक का बिल भी नहीं भरता, तुम क्या चीज भरने की बात कर रहे हो। अरे पापा जी, आप वो बारात का दिन कैसे भूल सकते हैं? अरे बेटे, अब तो उम्र हो चुकी आपने 1 केजी दाल में 2 ड्राम पानी और वो चावल किसी को मुट्ठी करके मार दिया ना, तो बंदा वही ढेर हो जाए। अब अगर ऐसा स्वागत किया जाएगा तो आपका भी तो मसालेदार डंडों से ही स्वागत किया जाएगा ना पापा जी। है। अरे बेटे, इन्होंने तो क्या स्वागत किया है, मेरा तो मतलब मैं तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। अरे आपका खड़ा मतलब आपके खड़े होने का मेडिसिन बाजार में मिलता है, मैं ले आऊंगा, लेकिन आप सही सलामत गाड़ी को लेके और आप आ जाइए बस घर को। मैंने बोला था ना कि आपकी गाड़ी को कुछ नहीं होगा। वो तो मेरे को पहले से ही पता था कि मेरी गाड़ी को कुछ नहीं होने वाला, लेकिन तेरे बाप का भरता। ये आप क्यों कह रहे हैं? क्यों मेरी भोली बीवी, कुछ समझ में नहीं आया? अभी बताता हूँ। तुम्हें मेरी गाड़ी की चाबी चोरी करते हुए और अपने बाप को पकड़ाते हुए चाबी, हाँ, देख लिया था। और मैंने तभी अपने पंटरों को कॉल करके बता दिया था कि जो जाने वाला है ना तुम्हारे पास, वो एक पीस में घर आना नहीं चाहिए। तुम्हें साले लोमड़ी के, पता है, उन्होंने पैसे भी नहीं लिए। पता चल गया ना तुम्हें कि क्या करना है? अरे साहब, आप चिंता मत कीजिए, उस साले से मेरे बच्चों के दांत का बदला लेना है। साला बुढ़ा, उसको आने तो दो, उसकी मैं गन मार दूंगा। तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम लड़कियों ने काटने का और झूठ बोलने का ठेका ले रखा है? जहां पर तुम ये सब सीख रहे हो ना, वहां का प्रिंसिपल आज भी मेरा, समझ रहे हो, बेहतरीन।